गरियाबंद में एक बस मालिक को दिव्यांग के साथ अभद्र व्यवहार करना महंगा पड़ सकता है। दिव्यांग की शिकायत पर गरियाबंद आरटीओ ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल दिव्यांग कोमल रोज की तरह दो दिन पहले भी एक बस में सवार होकर ड्यूटी से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान बस परिचालक ने न केवल उसके साथ अभद्र व्यवहार किया बल्कि सवारियों के सामने उसे अपमानित भी किया। कोमल ने मामले की शिकायत गरियाबंद के प्रभारी आरटीओ से की है। आरटीओ शेलाब साहू ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। ठीक है सर, उसके बाद मेरे को उठा दे सर, कोई लड़का था सर, कोई जेंट्स था तो उठाए। अरे यार आप यहाँ पे क्यों बैठिए, आप यहाँ पे दूसरे सवारी बैठेंगे, ऐसे बोले सर। तो मैं भी बोला कि मैं भी तो सवारी हूँ क्या सर, तो बोले कि आप सवारी नहीं हो, एक प्रकार से बोझ हो, जो आ जाते हमारे बस में एक ऊपर देते लेते नहीं आ जाते हो बस में, तो आप इधर पीछे जाओ, ऐसे बोल दे सर। उन्होंने शिकायत किया है, ये दिव्यांग हैं कि उनके बस ऑपरेटर हैं परमेश्वरी ट्रेवल्स, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार की और शासन के द्वारा जारी किए गए निःशुल्क पास को मानने से इनकार किया। किस तरह से कार्रवाई करें इस पे अभी जांच करने के लिए इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया। गरियाबंद में पहली बार